नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़। महानगर के नौरंगाबाद स्थित गोपी मिल कंपाउंड में अग्रवाल धर्मशाला में माँ भगवती ज्योतिष एवं अनुष्ठान केंद्र के तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय कालसर्प दोष अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा के साथ रुद्राभिषेक किया गया तथा 151 जातकों ने रुद्राभिषेक कर सभी ने निःशुल्क रुद्राक्ष प्राप्त किया। और संस्थान के मुख्य संस्थापक आचार्य हेमंत शास्त्री ने बताया कि आज से 3 दिवसीय काल सर्पदोष अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है तथा 11 शिवलिंगों का पूजन किया गया है, जिसमें कि गौरी गणेश का ध्यान करके रुद्राभिषेक कराने के बाद रुद्राक्ष का वितरण किया गया है। इस मौके पर पंडित श्री निवास शास्त्री, आचार्य सुधांशु पाराशर, दीपांशु शास्त्री, आचार्य हिमांशु शास्त्री, पंडित गुलशन शास्त्री, पंडित मुकेश शास्त्री आदि मौजूद रहे। इधर इस खबर की कवरेज के लिए चंद्रमोहन शर्मा की खास रिपोर्ट, अलीगढ़। दिवस में 11 शिवलिंगों का रुद्राभिषेक कराया, पूजन कराया और सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, आरती कराई। उसके बाद में हमने प्रसाद वितरण किया गया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा। ये मानवों के उद्धार के लिए कार्यक्रम है। जिन मानवों की कुंडलियों में पितृ दोष है, काल सर्पयोग दोष है, चांडाल दोष है, उनके निवारण अनुष्ठान उनके निवारण अनुष्ठान किया जा रहा है। ये कल क्या रहेगा, कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल भैया हमारे यहाँ पर पीठ पूजन है, यानी चौके लगाइए उनका पीठ पूजन है। उसके बाद में नाग पूजन होगा, नागरों का पूजन होगा, उसके बाद में यज्ञ किया जाएगा। आज लगभग कितने जातक? आज हमारे यहाँ 71 जातक थे जिन्होंने अभिषेक किया। हमारे यहाँ सभी प्रकार के समस्त गृह दोषों का निवारण हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है माँ भगवती संगठन केंद्र के तत्वाधान में, बहुत विशाल उत्सव चल रहा है। कल हमारे यहाँ सर्प पूजा, पितृ पूजा, पीठादि पूजा और यज्ञ होगा। उसके बाद भंडारे वितरण की व्यवस्था है हमारे।